मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकृति। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। अमिताभ बच्चन ने सुनाई फिल्म डॉन का नाम रखने की कहानी। साल 1978 में आई फिल्म डॉन ने सिल्वर स्क्रीन पर 41 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर 76 वर्षीय अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर इस फिल्म के बारे में लिखा। अमिताभ ने लिखा कि डॉन एक ऐसा नाम था जिसे मार्केट में किसी की मंजूरी नहीं मिली थी। निर्माता कभी नहीं समझ पाए कि इसका मतलब क्या है। अगर सच कहा जाए तो कई लोगों के लिए ये एक कॉमेडी भरा टाइटल था। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म का टाइटल सुनने में एक अंडरगारमेंट ब्रांड के जैसा लग रहा था। अमिताभ ने लिखा कि उस वक्त एक मशहूर ब्रांड के बनियान का नाम भी डॉन था। बाजार में जब लोग उस बनियान कंपनी का नाम लेते थे तो सुनने में वो बिल्कुल फिल्म के टाइटल डॉन के जैसे लगता था। अमिताभ ने कहा कि उस वक्त के लोकप्रिय गॉडफादर सीरीज की वजह से डॉन शब्द को इतना प्रचार मिला था। बॉलीवुड की इन एक्ट्रेस ने साउथ फिल्मों से की है अपने करियर की शुरुआत। प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, कृति सैनन, तापसी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं। आज ये सभी बॉलीवुड में सफल एक्ट्रेस के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में राज करने वाली इन एक्ट्रेसेस ने अपना फिल्मी करियर साउथ की फिल्मों से शुरू किया था। प्रियंका चोपड़ा ने इंटरनेशनल एक्ट्रेस के तौर पर अपना नाम स्थापित कर लिया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्म से की थी। दीपिका पादुकोण इन दिनों मेघना गुलजार के निर्देशन में बन रही फिल्म छपाक में बिजी हैं। उन्होंने कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। लुगा छुपी स्टार कृति सैनन ने सबसे पहले तेलुगु फिल्म नेनो कार्डिन में काम किया था। तापसी पन्नू बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। उन्होंने भी पहली बार साउथ की फिल्म में काम किया। ये एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी। पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या ने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले मणि रत्नम की फिल्म में काम किया था। हाल ही में श्रीदेवी की आखिरी फिल्म मॉम चीन में रिलीज हुई है। उन्होंने कंदन करुणई फिल्म से अपना करियर शुरू किया था। कपिल शर्मा से लेकर भारती सिंह तक कितने बदल गए हैं ये पॉपुलर कॉमेडियंस। कॉमेडियन कपिल शर्मा के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं। वो खुद का शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल भी चला रहे हैं। टीआरपी में भी शो टॉप पर रहता है। कपिल का ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। उनके हेयर स्टाइल से लेकर पहनावे तक सब कुछ बदल गया है। कॉमेडियन भारती सिंह ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 4 में भाग लिया और सेकेंड रनर अप रही। लेकिन अब भारती का जबरदस्त मेकओवर देखने को मिला है। फिलहाल भारती कपिल के कॉमेडी शो में नजर आ रही हैं और उन्होंने कुछ वजन कम किया है। राजू लंबे समय तक अपने जोक्स के दम पर टीवी की दुनिया में छाए रहे। टीवी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में पहली बार राजू ने अपने कॉमेडी पंचों से लोगों को हंसाया था। इसके अलावा वो बिग बॉस 3 में भी नजर आ चुके हैं। कॉमेडियन सुदेश लहरी ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया। हालांकि इसे वो जीत नहीं पाए लेकिन कुछ ही समय में उन्हें काफी लोकप्रियता मिली। डेब्यू से अब तक सुदेश काफी हैंडसम दिखने लगे हैं। कॉमेडियन चंदन प्रभाकर ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 के साथ अपना टीवी डेब्यू किया था। ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में चंदन काफी स्लिम थे लेकिन अब चंदन एकदम अलग दिखते हैं। इन स्टार किड्स को नहीं मिल पाई है बॉलीवुड में सक्सेस, लाइमलाइट से है दूर। यश चोपड़ा के बेटे उदय चोपड़ा ने मोहब्बती फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म बड़ी हिट साबित हुई लेकिन शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की वजह से 6 साल पहले आदित्य धूम 3 फिल्म में नजर आए थे। इसके बाद से वो पर्दे पर से गायब है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने कोई मेरे दिल से पूछे फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी लेकिन जल्द ही उनका करियर डूब गया। उनकी अधिकतर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट गईं। वो काफी समय से फिल्म में नजर नहीं आई हैं। प्रोड्यूसर वासु भगनानी के बेटे जैकी भगनानी ने फिल्म इंडस्ट्री में लक आजमाने की कोशिश की। कई फिल्मों में लीड एक्टर के रूप में नजर आए लेकिन दर्शकों ने उनकी फिल्म को नकार दिया। अध्ययन सुमन जाने माने एक्टर शेखर सुमन के बेटे हैं। उन्होंने हाल ही दिल से बॉलीवुड डेब्यू किया था लेकिन अब बड़े पर्दे से गायब हैं। तनुजा मुखर्जी की बेटी काजोल की बहन तनिषा ने 2005 में नील और निकी फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वो कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल में ही नजर आईं। उनकी अदाकारी दर्शकों को प्रभावित नहीं कर सकी। अनुपम खेर के बेटे सिकंदर खेर ने वुडस्टॉक विला से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। अब आज का दिन है कि उन्हें बहुत कम ही फिल्म मिलती है। अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने सफलता का स्वाद तो चख लिया लेकिन बेटे हर्षवर्धन कपूर अभी भी सक्सेस से कोसों दूर चल रहे हैं। कैटरीना कैफ से पहले ये बॉलीवुड एक्ट्रेस बन चुकी है प्रोड्यूसर। पिछले कुछ दिनों से कैटरीना कैफ प्रोडक्शन के क्षेत्र में कदम रखने को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि वो पहली लेडी प्रोड्यूसर नहीं है। जोया अख्तर, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, रिया कपूर और एकता कपूर जैसे कई दिग्गज फिल्म निर्माता पहले से हैं लेकिन वक्त के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने न सिर्फ प्रोडक्शन के क्षेत्र में कदम रखा है बल्कि बेहतरीन हिट फिल्में भी दी हैं। अनुष्का शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से की थी। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया। दीपिका पादुकोण भी एक प्रोड्यूसर के तौर पर डेब्यू कर चुकी हैं। छपाक उनके ही प्रोडक्शन में बनी फिल्म है।
ट्विंकल खन्ना ने पिछले साल प्रोड्यूसर के तौर पर डेब्यू किया। पैडमैन उनके प्रोडक्शन में बनी पहली फिल्म थी जो कि हिट भी साबित हुई। प्रियंका चोपड़ा ने भी अब एक प्रोड्यूसर के तौर पर डेब्यू किया। पर्पल पेबल पिक्चर्स नाम का उनका प्रोडक्शन हाउस भी अब तक कई हिट फिल्में दे चुका है। जहां तक बात कैटरीना कैफ के प्रोडक्शन हाउस शुरू करने की है, तो उन्होंने हाल ही में कहा है कि वो साल के अंत तक अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करने जा रही हैं। हालांकि उनके प्रोडक्शन में बन रही पहली फिल्म के नाम का ऐलान होना भी बाकी है। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।